हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू नेक्स्ट क्लासेस। मैं साकेत श्रीवास्तव, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 की। तो पार्ट नंबर 4 को शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अभी तक जितने भी वीडियोस नेक्स्ट क्लासेस की तरफ से अपलोड किए गए हैं उनको आपको लाइक शेयर जरूर करना है। जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर नेक्स्ट क्लासेस को आप फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब पर जो अभी क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा है उनको आप लाइक करें, शेयर करें, ऐसे दोस्तों को शेयर करें जो कि क्लासेस को लेने में असमर्थ हैं, फीस देने में असमर्थ हैं, जहां क्लास नहीं ले पा रहे हैं उनको आपको क्या करना है, उनको, उन दोस्तों को, मित्रों को आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लासेस के जितने भी वीडियो आपके पास हैं उनको आपको प्रोवाइड कराना है। टेलीग्राम जो है नेक्स्ट क्लासेस का, इस पर आप पीडीएफ भी उपलब्ध करा सकते हैं। किसी भी टॉपिक की अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप मैसेज जरूर करिएगा। और इस वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, इसको वीडियो को अंत तक देंगे, जहां मैं आपको एक क्वेश्चंस दूंगा लास्ट में। जो भी कमेंट में उस आंसर, उस वोकैब का हमें सही आंसर देगा उसको निमोनिक फॉर्म्स का पूरा पीडीएफ 1000 वर्ड्स का मिलेगा और एक ऑडियो प्लस वीडियो सीडी भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। जो वर्ड्स मैं यहां आपको ट्रिक के द्वारा करवाता हूं वो सारे वर्ड्स आपको वीडियो की सीडी में, ऑडियो प्लस वीडियो दोनों आपको मिलेगी। तो बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो क्वेश्चंस आपको क्विज वाला मिलने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसको क्या करें, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। वीडियो को देखने के बाद जो फर्स्ट आंसर करेगा या जिसका आंसर सही रहेगा उसको एक सीडी प्लस एक पीडीएफ 1000 वर्ड्स की निमोनिक फॉर्म्स के द्वारा जो ट्रिक की है विद ट्रिक मिलेगा। क्लियर है? तो आज अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। देखें पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या बनेगा। नोइंग एंड स्पीकिंग वन लैंग्वेज ओनली, यानी कि एक भाषा जिसको आती हो या जो एक भाषा बोल पाता हो, केवल एक यहां लिखा हुआ है। नोइंग जानना या फिर बोलना, स्पीकिंग वन लैंग्वेज ओनली, केवल एक भाषा जिसको आती हो वो क्या रहेगा। देखें जरा यहां लिखा हुआ है यूनिलिंगुअल। यूनि से आपको ध्यान रखना है यूनिक। यूनिक जो ट्रिक है वो किसकी है, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, यानी कि जो एक है। तो यही बस ये ट्रिक बनेगी, यूनिलिंगुअल से आप लैंग्वेज बना सकते हैं। तो यूनिलिंगुअल का मतलब क्या रहेगा, एक भाषी, यानी कि जिसको एक भाषा आती हो। क्लियर है? दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखें जरा। दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको समझा ही ना जा सके, इसको हम बोल सकते हैं कि अनेबल टू अंडरस्टैंड, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जो पॉसिबल ही ना हो जिसको समझना, वो वर्ड क्या बनता है। देखें जरा आंसर में लिखा हुआ है आपका unintelligible। unintelligible का मतलब क्या रहेगा, अबोधगम या जिसको समझा ना जा सके, जो समझ में ही ना आए वो होता है unintelligible। इसको हम ध्यान रखेंगे भाई, intelligible intelligent से जो intelligent होगा वो समझेगा। अब यहां लिखा है unintelligible तो वो उस चीज को नहीं समझ पाएगा। क्लियर है? तो ट्रिक ध्यान रखें, intelligent से आपको याद रखना है unintelligible। नेक्स्ट क्या बनेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखें जरा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक साइड की ट्रिक बताई थी कि जिस वर्ड के अंत में सी आई डी ई लगा हो, अगर ये चीज आपको मालूम नहीं है तो जल्दी से हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आप पार्ट नंबर 1 देखें, जहां आपको पूरे साइड के जितने भी वर्ड बने हैं, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लिया गया हो या उसका एंटोनिम सिनोनिम कुछ भी दिए पूछा गया हो एग्जाम में, तो देखेंगे जरा सीआईडीई जहां पर लगा रहता है वो किसको रिलेट करता है, वो हत्या को रिलेट करता है। जैसे मैंने बोला रेजिसाइड, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, इन्फेंटिसाइड, फेटिसाइड, सरोरीसाइड, ये जितने भी वर्ड साइड से बनेंगे ये आपको पार्ट वन में मिलेंगे, जो मैंने एक ईजी ट्रिक के साथ आपको समझाया था। तो यहां क्या बनेगा देखें जरा, एक्ट ऑफ सेल्फ मर्डर, एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ इंटेंशनली, खुद को मारने की एक कला बोल सकते हैं, या खुद का मर्डर जो होता है वो क्या होता है। यहां पर वर्ड लिखा हुआ है सुसाइड, जनरल भाषा में आप बोल देते हो सुसाइड, सुसाइड का मतलब आत्महत्या, तो इसमें तो कोई ट्रिक देने की जरूरत नहीं है। देखें जरा खुद का मर्डर यानी कि सुसाइड। नेक्स्ट देखेंगे मोर देन व्हाट इज नीडेड और रिक्वायर्ड, यानी कि जरूरत से अधिक
जरूरत से अधिक देना या अतिरिक्त जो भी हो, अतिरिक्त आवश्यकता से अधिक जो चीज हो, उसको क्या बोलते हैं हम? सुपरफ्यूलस। सुपरफ्यूलस का मतलब क्या होता है? जैसे देखें हम, जहां जिस चीज की एक बार यूज कर लिया कोई वर्ड, वही सेम सेंटेंस में दोबारा से उसी, अगर वही वर्ड कोई वही सेंस निकाल रहा है, तो उसको अपन क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। जैसे मैंने बोला कि आई हैव टू ट्विंस, I have two twins. यहां देखे twin का मतलब होता है जुड़वा, superfluous का मतलब होता है अतिरिक्त आवश्यकता से अधिक। तो यहां हम देखेंगे देखें जरा I have two twins हमने यहां लिखा हुआ है। अब यहां देखे twins का पहले ही हमने बोला है जुड़वा यानी कि दो, तो फिर टू देने का मतलब यहां क्या है? तो ये टू क्या हुआ? ये superfluous हुआ। सिंपल लिखेंगे I have twins। क्लियर है बात आपको? समझ में आई? ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? सुपरफ्यूलस। नेक्स्ट देखेंगे वन हु हैज द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन स्लीप। भाई एक पर्सन जिसको नींद में चलने की आदत हो, वन हु हैज द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, एक ऐसा पर्सन जिसको नींद में चलने की आदत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? चलिए कमेंट करिए जल्दी से, आप फटाफट से कमेंट करते चलिए जो भी आंसर आपको आ रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आंसर बताने से पहले तो कमेंट जरूर करते चले आप, है ना? और लाइक सब्सक्राइब बहुत जरूरी है आपके हिसाब से, ये वीडियोस जितने भी यहां हो रहे हैं बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, तो प्लीज इसको आप फॉलो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चले। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सोमनाम्बुलिस्ट। क्लियर है? जो व्यक्ति नींद में चलता हो उसको हम क्या बोलेंगे? सोमनाम्बुलिस्ट। ध्यान रखना है ट्रिक, यहां सोमनाम्बुलिस्ट में सोनम जरूर दिखाई दे रही है, सोमनाम्बुलिस्ट यानी कि सोमनाम्बुलिस्ट, तो सोनम से ही याद रखना है क्या कि सोनम जो है वो नींद में चलती है, सोमनाम्बुलिस्ट यानी कि सोनम, सोनम क्या करती है? नींद में चलती है। ट्रिक जरूर आप लेते चलिए, इनसे क्या है एग्जाम में अगर सेम वर्ड्स आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ट्रिक के द्वारा टच हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे One who has the habit of talking in sleep. एक ऐसा person जिसको नींद में बोलने की आदत हो, यहां पर भी देखें somniloquist, यहां lock का मतलब आपको talk लेके चलना है, lock का मतलब क्या लेके चलना है? talk, तो sonam plus lock, lock यानी कि talk, talk माने होता है बोलना, तो ध्यान रखना है sonam क्या करती है? lock, lock यानी कि talk, talk का मतलब नींद में बोलने वाला, sonam lock करती है नींद में, यानी कि lock का मतलब होगा टॉक, जैसे हमने बोल दिया एक वर्ड्स आपको। नेक्स्ट देखेंगे अपन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अंडू फेवर फ्रॉम द होल्डर ऑफ पैटर्नरीज ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है, संरक्षण बचाओ या फिर फेवर, अपने भाई बहनों का फेवर करना, अपने रिलेटिव्स का फेवर करना, क्या वर्ड्स होता है उन्हीं के बारे में? उनको संरक्षित करना, बचाना या फिर उनका फेवर करना। एक बहुत अच्छा अभी पॉलिटिक्स में वर्ड चल रहा है जिसपे बहुत ज्यादा हेडिंग्स भी निकलती हैं न्यूज़पेपर में, वो है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म एक ऐसा वर्ड है जो हर जगह यूज हो रहा है, किसमें? भाई भतीजा बाद जो होता है, भाई भतीजा बाद जो है उसको हम क्या बोलेंगे? नेपोटिज्म। क्लियर है? तो इस आंसर को आप टिक करें, नेपोटिज्म। नेक्स्ट देखेंगे द प्रैक्टिस of having two wives or husbands at a time, यानी कि practice means एक प्रथा जो है, एक प्रथा यानी कि the practice of having two wives, एक प्रथा of having two wives, दो पत्नियां रखने की या फिर दो पति रखने की एक ही समय में, at a time, तो क्या बनेगा? एक समय में दो पत्नी या दो पति रखने की प्रथा को हम क्या बोलते हैं? देखें जरा, इसका मतलब है bigamy। bigamy का मतलब क्या है? एक समय में दो पत्नियां दो पति रखने की जो प्रथा होती है उसको हम बोलते हैं बाय। चलो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि जहां हम लिखेंगे बाय, ठीक है, इसका हमको एक आध वर्ड छोड़ के सब में क्या लगाना है? इसका मतलब होता है दो, ठीक है, जैसे बाइक हुआ, बाइगेमी हुआ, बाइस्किल हुआ, तो यहां पर क्या है? बाइपिड हुआ, तो यहां पर जो बाय है उसका हमें सबसे पहले रिलेट करना है दो से। हाँ, ये बाइक जो बना हुआ है ये भी दो से ही बना है, बाय, दो पहियों की बाइसिकल भी बना है, तो वो भी किससे बना है? बी आई से बना है, तो बाई का मतलब होगा क्या? दो। क्लियर है? बाइपिड लिखा मैंने, तो बाइपिड का भी मतलब होता है क्या? दो पैरों वाला। क्लियर है? वो आगे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम देंगे। तो यहां हमने क्या दिया आपको, देखें जरा,
या दिया है बायगेमी। बायगेमी का मतलब क्या रहेगा? बायगेमी का मतलब रहेगा कि एक टाइम में दो पत्नी या दो पति रखने की प्रथा। ठीक है, तो भाई सिंपल सी है, बाय मींस हमने बोला कि दो, और गेमी का मतलब भाई हम खेल किसी के साथ नहीं खेलेंगे, यानी कि दो लोगों के साथ कोई भी धोखा करना या फिर वो, तो वो इस तरीके से गैम अपन इंग्लिश में बोलेंगे। सिंपल रखेगा बायगैमी, बाय से याद रखना है दो, तो दो लोगों को, दो पत्नी या दो पति को रखने की एक टाइम में प्रथा जो होती है वो क्या होता है? बायगैमी। नेक्स्ट वनवर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या बनेगा देखें। अ ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ अ रिलीजियस फेथ। ठीक है, ध्यान रखना है आपको बाय गॉट, यहां वो दो वाला इसको छोड़ के बाकी दो वाले बनेंगे, अभी देखते हैं अपन। तो एक अंधा जो एक अंधभक्त जिसको कहेंगे, किसी भी रिलीजन को मानने वाला बिल्कुल अंधभक्त हो जाना उसके प्रति, वो कौन होता है? तो होगा क्या? बायगॉट। बायगॉट यहां अगर गॉड कर ले अपन तो भगवान को बिल्कुल अंधा होके मानने वाला, किसी धर्म को मानने वाला बायगॉट। ठीक है, धर्मांध जो धर्म के प्रति कैसा हो गया हो, अंधा हो गया हो, तो वो क्या रहेगा? बायगॉट। नेक्स्ट देखेंगे अफेक्टिंग टू पार्टीज हैविंग टू साइड्स। एक ऐसा पर्सन जो दो तरफ की बात करता हो, दो पार्टियों का, दो पार्टियों दोनों तरफ बोलता हो, जो दोनों पक्षों, दो पार्टियों का दोनों पक्षों का पक्ष लेता हो, दोनों पार्टीज का, वो कौन रहेगा देखें जरा, दोनों साइडों का पक्ष लेने वाला वो रहेगा बाइलेटरल। ठीक है, बाई का मतलब फिर से हमने बोला क्या? दो। बाई का मतलब क्या बोला हमने? दोनों। यहां पर क्या रहेगा भाई, हमने किसी को एक लेटर लिखने को दिया कि भाई लेटर लिखिए, तो उसने क्या किया भाई, दो पक्षीय लेटर लिख दिया, यानी कि दोनों पक्षों के बारे में लिख दिया, जबकि मैंने बोला था कि जो आप लेटर लिखोगे वो सिर्फ मेरे बारे में लिखना है आपको, तो उसने क्या किया, उसने दोनों पक्षों में लिख दिया, यानी कि दो तरफा। ठीक है, दो पक्षीय कौन रहेगा? बाय लेटरल। ठीक है, देख लें जरा ये वर्ड लिखा हुआ है बाय लेटरल, इसका भी मतलब होता है बी आई से बनेगा क्या? दो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या रहेगा। Chemistry of living organism, ठीक है, living के बारे में बताना क्या रहेगा यहाँ, जीव रसायन शास्त्र, biochemistry तो आपने पढ़ा ही होगा, सुना होगा, तो ये तो सिंपल वर्ड है, biochemistry रहेगा, chemistry of living organism। Next देखेंगे आप, a person who can express himself in two languages। पहला था जो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया कि जिस पर्सन को एक भाषा आती हो वो कौन रहेगा, और एक ऐसा पर्सन जिसको दो भाषा आती हो, यानी कि वो खुद को क्या करता हो, खुद को क्या करता हो, एक्सप्रेस करता है दो लैंग्वेजों में, तो वो कौन रहेगा? फिर से वही बाई वाला देखेंगे जरा, बाई वाला देखेंगे जरा, बाइलिंगुअल, लैंग्वेज से याद रखना है लिंग्विस्ट, और बी आई से याद रखना है दो। यूनि अगर लगा है, यूनिलिंग्विस्ट लगा है तो एक, और बाई अगर लगा है तो क्या बोलेंगे हम उसको? टू लैंग्वेज, दो भाषाओं का जो जानकार हो, दो भाषाएं जिसको आती हो वो कौन रहेगा? क्लियर है? तो नेक्स्ट वन वर्ड देखने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि इस वीडियो के बाद, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बाद, मैं आपसे एक वर्ड पूछने जा रहा हूं, उसका जो भी हमको सही आंसर देगा उसको आपको 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सॉरी 1000 वोकैब का निमोनिक फॉर्म्स की एक आपको पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी उसके नंबर पे। ठीक है, तो बिल्कुल आप देखते रहिए वीडियो को, बिल्कुल स्किप ना करें, और लास्ट का वर्ड जरूर देखें कि मैं आपसे क्विज में क्या पूछने वाला हूं। नेक्स्ट देखेंगे क्या बनेगा क्वेश्चन अपना, अ पर्सन्स लाइफ स्टोरी रिटन बाय अनदर। किसी पर्सन की लाइफ स्टोरी लिखी गई किसी के द्वारा। क्लियर है, किसी दूसरे के द्वारा किसी के बारे में उसकी जीवनी लिखना वो कौन सा वर्ड होता है देखें जरा। यहां पर लिखा हुआ है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब क्या होगा? जीवन चरित्र। ठीक है, बायोग्राफी, बायोग्राफी क्या बनेगा? जीवन चरित्र। कब? जब उसकी स्टोरी जो है वो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा लिखी जाए। क्लियर है, दो तरीके का वन वर्ड पूछ लेते हैं एग्जाम में। कौन कौन सा पूछा गया है? एक इस तरीके से कि अ पर्सन्स लाइफ स्टोरी रिटन बाय अनदर, यानी कि किसी पर्सन की जीवनी लिखी गई हो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा। इज इट क्लियर? और एक ऐसे पूछ लेते हैं कि रिटन बाय समवन, रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा जो लिखी गई, यानी कि किसी पर्सन ने अपनी खुद की आत्मकथा यानी कि जीवनी लिखी हो, वो क्या रहेगा? तो बस बायोग्राफी में आपको लगाना है ऑटोबायोग्राफी। क्लियर है, तो वो रहेगा क्या? खुद से लिखी हुई आत्मकथा बोल सकते हैं हम जिसको।
आत्मकथा, क्लियर है? तो ये दोनों चीजें आपको क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे साइंस ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग बीइंग्स वुमेन, यानी कि इंसान, मानव, प्राणी या फिर प्लांट्स। प्लांट्स और प्राणियों का जो भी साइंस है वो क्या है, पता है आपको, बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी पर क्या करना है, आपको टिक करना है, यानी कि जीव विज्ञान, क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या बनता है, अगला वन वर्ड, टू फुटेड एनिमल। ये आ गया है वही टू फुटेड एनिमल, दो पैरों वाला टू फुटेड एनिमल कौन रहेगा, फिर से वही बाई आपको हम याद दिलवाते हैं, अगर जहां पर भी लिखा हुआ है बी आई तो वो क्या रहेगा, बाइपेड, यानी कि दो पैरों वाला। पैर से आपको पैर से पैर याद रखना है और बाई से दो याद रखना है, क्या रखना है आपको याद, दो, ठीक है? तो बाइपेड क्या रहेगा, बाइपेड रहेगा आपका दो पैरों वाला, क्लियर है? लिखा हुआ है दो पैरों वाला बाइपेड। नेक्स्ट देखेंगे जरा, कॉक्स यूज फ्लैटरी और डिसीट टू परसुएड, राजी करना, सूद अ पर्सन, किसी पर्सन को धोखे से या फिर चापलूसी से क्या कर लेना, राजी कर लेना, क्लियर है? बहला फुसलाकर राजी करना, परसुएड करना उसको, वो वर्ड क्या रहेगा, एक इजी सी ट्रिक है उसकी, क्या है, कैजोल। कैजोल का मतलब क्या है, बहला फुसलाकर राजी करना या धोखा देना या चापलूसी करके किसी को परसुएड कर लेना, मना लेना, राजी कर लेना। तो सिंपल सी बात है, इधर कैजोल से याद रखेंगे अपन काजोल, और काजोल से याद क्या करना है हमको, काजोल से ये याद रखना है कि काजोल जो है वो परसुएड कर लेती है, राजी कर लेती है किसी को, फ्लैटर करके, फ्लैटरी करके, या फिर किसी को डिसीट करके, धोखा देके, क्लियर है? तो अपनी बात को क्या कर लेती है, बहला फुसलाकर मनवा लेती है, क्लियर है? तो काजोल से आपको याद रखना है कैजोल। नेक्स्ट वर्ड क्या बनेगा देखें जरा, स्टेट ऑफ रिजर्व टू रिमेन सेलिबेट, कुबारा रहना और अनमैरिड रहना, कौन सा वर्ड बनेगा, रिमेन सेलिबेट यानी कि सन्यासी रहना, सन्यासी रहना या फिर कुमारा रहना, कौन सा वर्ड बनेगा देखें जरा। सेलिबेशी, सेलिबेशी का मतलब क्या होगा, ब्रह्मचर्य, क्लियर है? सेलिबेशी का मतलब रहेगा ब्रह्मचर्य। ध्यान कैसे करना है भाई, चाहे तो यहां पर कर ले अपन, सैली जो है, सैली का बेबी जो है वो क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। सैली और बेबी, बेसी से याद रखना है, बेबी, सैली का बेबी जो है वो क्या कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। ये यानी कि रिमेन सेलिबेट और अनमैरिड की जो भी प्रोसेस रहेगी वो क्या रहेगी, सेलिबेशी, ठीक है? सैली और बेबी से याद रखना है, सेलिबेशी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, एन एरिया ऑफ लैंड यूज्ड टू बरिंग डेड बॉडीज, डेड बॉडीज को जहां पर क्या किया जाता हो, दफनाया जाता हो, दफनाया जाना, कौन सा वर्ड्स बनेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का देखेंगे हम। इसमें लिखा है सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या रहेगा, कब्रिस्तान, एक ऐसा प्लेस जहां पर डेड बॉडीज को क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। तो याद रखना है आपको क्या, सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या रहेगा, कब्रिस्तान। वर्ड याद रखना है हमको किससे, सीमेंट से, सीमेंट से हम वर्ड्स याद रखेंगे, सिमेट्री, सिमेट्री से याद रखेंगे सीमेंट। तो भाई जो भी कब्रिस्तान बना हुआ है वो काय का बना है, वो सीमेंटेड है, सीमेंट का बना हुआ है। तो सिमेट्री वर्ड्स का ऐसे याद रखेंगे हम, यहां सीमेंट से। नेक्स्ट देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या बनता है, साइंस ऑफ प्लांट्स, भाई क्लियर पता है, विज्ञान जो है प्लांट्स का वो क्या रहेगा, बहुत बार आपको पता बताया गया हो, बॉटनी, बॉटनी क्या बनेगा, वनस्पति विज्ञान, क्लियर है? तो ये तो बहुत ईजी था, साइंस ऑफ प्लांट्स, बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है भुरभुरा या छड़बंगुर, या फिर लिख देते हैं इधर जल्दी टूटने वाला, जल्दी टूटने वाला कौन सा वर्ड होगा। तो ब्रिटल यहां लिखा हुआ है देखें जरा, इजिली ब्रेकेबल मटेरियल, कोई भी चीज जो हो वो जल्दी टूट जाती हो, तो ब्रिटल या फिर इजिली ब्रेकेबल, जो बहुत जल्दी टूट जाती हो, भुरभुरी हो या फिर जल्दी टूटने वाला हो या क्षणभंगुर हो, क्षण में नष्ट हो जाता हो, देखें जरा ब्रिटल से याद रखना है आपको। देख लो जरा इस बर्ड को देखो पहले, तो ब्रिटल क्या ब्रिटली जैसा लग रहा है, ब्रिटली, ठीक है? तो ब्रिटली कौन था, एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर था जो इतनी स्पीड से बॉल डालता था। ट्रिक याद रखना है आपको,
कि लोग बाग यानी कि बैट्समैनों का क्या टूट जाता था, बैट टूट जाता था बहुत जल्दी, तो ब्रिटल से याद रखना है आपको क्या, ब्रिटली, ठीक है। तो ये आज के थे 21 वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस। आई होप कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हमने जो टारगेट लिया है वो 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लिया है, जो पूछे जाएंगे किसमें, जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, और दोबारा से रिपीटेशन जो मैं कर रहा हूँ वो एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो इनके पार्ट जो मैंने बनाए हैं आज, जो मैं आज अब चौथा पार्ट चल रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा पार्ट जरूर देखें। तो पहले में जो मैंने ट्रिक दी थी, साइड का एक रूट वर्ड लेके आपको सारे वर्ड्स बताए गए थे, तो इन वर्ड्स को क्या करना है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद करना है। इससे क्या होगा, आपकी वोकैब मजबूत होगी। तो देखें, अब मैंने जो आपसे बोला था, बोला क्या था, बोला ये था कि मैं आपसे वीडियो के लास्ट में एक वर्ड पूछूंगा और उस वर्ड का आपको क्या देना है, उस वर्ड का देना है आपको आंसर। क्लियर है? तो वो वर्ड्स कौन सा बनेगा, वर्ड्स बनेगा हॉर्न्सबॉगल। हॉर्न्सबॉगल जो बर्ड है, आप सर्च करिए हॉर्न्सबॉगल बर्ड, देख लें जरा इधर जूम करके बिल्कुल, कि हॉर्न्सबॉगल जो बर्ड है उसका हिंदी मीनिंग क्या रहेगा। अगर इसका आप सही आंसर हमको कमेंट में लिखकर भेजते हैं तो आपको 1000 वोकैब का नेमोनिक फॉर्म विद ट्रिक आपको PDF सेंड की जाएगी और एक CD ऑडियो प्लस वीडियो निक्स क्लासेस की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो जल्दी करिए, आंसर का मैं आपका वेट कर रहा हूं। अगले वीडियो में इसका मैं बताऊंगा कि ये वर्ड्स कहां से लिया गया है और है क्या इसका मतलब। तब तक के लिए आप चारों पार्ट्स देखते रहें निक्स क्लासेस का, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल भी ना भूलें। अगला पांच जो है हमारा पार्ट 5, वो मैं बहुत जल्दी लेके आपके सामने आने वाला हूं। तब तक के लिए Thank you very much.